कप्तान की टीम के एक और खिलाड़ी ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा कौमी असेंबली सेक्रेटरीट को भिजवा दिया गया। दूसरी जानिब कौमी असेंबली सेक्रेटरीट को इस्तीफा मौसूल हो गया। कप्तान की टीम के अब किस खिलाड़ी ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा दिया, आइए हम आपको बताते हैं। कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल इस्तीफा दे दिया, जबकि आज कौमी असेंबली के इजलास में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी होनी थी। कासिम सूरी का इस्तीफा सेक्रेटरी कौमी असेंबली के दफ्तर को मौसूल हो गया है। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी ने अपने इस्तीफे में लिखा कि ओहदे से इस्तीफा पार्टी विजन के मुताबिक दिया। इस्तीफा पार्टी की जमहूरियत के साथ इसकी वाबस्तगी की अलामत है। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेंगे और लिखा कि मुल्क की आजादी के तहफ्फुज के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दूसरी जानिब कासिम सूरी के इस्तीफे के बाद पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट के मुताबिक राजा परवेज अशरफ के स्पीकर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। याद रहे कि इससे कबल स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। आपके ख्याल में कासिम सूरी को तहरीक अदम एतमाद का सामना करना चाहिए था या नहीं, कमेंट सेक्शन में आगाह करें।